बालोद जिले के ग्राम सिवनी में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शहीद नारद निजात की प्रतिमा का अनावरण किया और शहीद परिवारों को सम्मान भी किया। इस दौरान शहीद की मां का चरण स्पर्श कर गृह मंत्री ने उनके पुत्र के अदम्य साहस को नमन किया। साथ ही निषाद समाज के शहीदों के जीवन परिचय पर केंद्रित पुस्तिका का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि शहीद नारद निषाद की प्रतिमा अनावरण के लिए बहुत बार बोला गया, लेकिन समय का अभाव होने के चलते मैं थोड़ा लेट हो गया। बड़े सौभाग्य की बात है जो मुझे ये मौका मिला है। आज सिवनी में शहीद नारद निषाद जी के प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुझे आने का अवसर मिला, सहभागिता मेरी हुई। मुझे लगा कि यह मेरा सौभाग्य है कि इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो शहीद होते हैं उनकी मूर्ति अनावरण के अवसर पर मैं उसमें सहभागिता हुई। हमारा देश, हमारा प्रदेश इन्हीं वीर सैनिकों के कारण सुरक्षित है। ये दिन रात जागते हैं तो हम आराम से अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, सोते हैं। हमारी नक्सली गतिविधि जो बस्तर अंचल में काफ़ी लंबे समय से रही है, मिनपा घाटी में नक्सल अभियान के दौरान नारद निषाद जी शहीद हुए थे। अभी आप अनुभव करेंगे कि जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने नेतृत्व संभाला है। कोंडा गांव नगर में आदिवासी समाज के द्वारा रक्षण बचाओ महाबंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते कोंडा गांव नगर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में ताला जड़ा नजर आया। जानकारी के लिए बता दें कि उच्च न्यायालय द्वारा आदिवासियों का आरक्षण 32% से कम 20% कर दिया गया, जिसके चलते आदिवासी समाज के द्वारा आरक्षण बचाओ महाबंद का आह्वान किया गया। साथ ही बंद के चलते बस स्टैंड में यात्रियों को खाने पीने के लिए काफी परेशान होना पड़ा। और